हेलो एंड वेलकम गाइज, आई एम पुष्पेंद धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाह एकेडमी। इस वीडियो में आपको हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में, जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें इसके बारे में जानेंगे और इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम इसमें सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साधारण ब्याज जो होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है, साधारण ब्याज को हम SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, SI। ये आपका होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, और अपॉन में कितना होता है 100 होता है। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। मूलधन क्या होता है? मूलधन कोई ऐसा पैसा जो आपको, जिसको ब्याज पर दिया गया है, जैसे 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो मेन रुपए होते हैं जिसको ब्याज पर दिया गया है, वो मूलधन कहलाता है। दर, दर मतलब था रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे, किस परसेंट पे वो ब्याज दिया गया है। और समय, कितने समय के लिए देगा, 1 साल 2 साल 1 महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन, उसके लिए। और अपॉन में 100, तो जानते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट SI का ये फॉर्मूला, एक यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, आपको मूलधन निकालना हो, आपको दर निकालना हो, आपको समय निकालना हो, आपको कुछ भी निकाले, चारों चीजों में से साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय, कुछ भी निकालना हो, इसमें आप चारों में इसी का ही यूज करना है, इसके अलावा आपको यूज नहीं करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट, अब आपको इससे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, लेकिन इसमें कुछ दो चार चीजें होती है जो अगर हम, जिसका सही तरीके से अगर ध्यान रखेंगे तो उसको हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मेन बात होती है यहाँ पे समय की, समय हमारे पास उतना नहीं होता है। तो अगर हम देखा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे फॉर्मूला, अगर जैसे जो भी चीज़ हमें चाहिए रहेगी उसको हम इस तरफ रख दें, वहाँ की सब इस तरफ चला जाएगा। जैसे सपोज करो, अगर मुझे मूलधन निकालना है, क्या निकालना है मुझे, मूलधन निकालना है, तो मैं इसको इस तरफ भेजाऊँगा सबको, तो ये आपका क्या हो जाए, अपॉन ऊपर 100 जाएगा, नीचे में दर और समय आ जाएगा, एक कॉस्ट क्या हो जाएगा, मूलधन। मतलब मैंने सभी को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो आप ध्यान से देखेंगे कि सब लोग इस तरफ आ जाएंगे। अगर आपको कभी भी ब्याज के अलावा, ब्याज में तो कोई दिक्कत नहीं, सब इस तरफ, अगर मूलधन दर और समय निकालना है, सीधा सा क्या है कि जो मूल, जो भी चीजें आप सिंपल इंटरेस्ट में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे जो भी चीजें हैं गिवन है वो नीचे लिख दीजिए, अपॉन में लिख दीजिए। जैसे देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में 100 का मल्टीप्लाई और बाकी चीजें नीचे लिख दी। अगर मुझे मूलधन की जगह समय ज्ञात करना हो तो दर और मूलधन नीचे आ जाएगा, अगर मुझे दर ज्ञात करना है तो आपका समय और मूलधन नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का यही कुछ सिनेरियो है जो हमें शुरुआत में एक फॉर्मूला याद करना है, मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी अगर आप चाहो तो अच्छे से लिखो, SI मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो ये ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म सही रहता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, और SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब हम शुरू करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर उससे हम समझते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1000 रुपये का 2 वर्ष में 20% की दर से कितना साधारण ब्याज होगा, कितना साधारण ब्याज होगा। 1000 रुपये का 2 वर्ष में 20% की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। तो सिंपल, हमें तो सिंपल साधारण ब्याज निकालना है, तो SI कॉस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल जो मैंने कहा था, जिस पैसे को ब्याज पे दिया गया है 1000 रुपये, समय रेट कितना दिया है 20%, टाइम दिया है 2 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो कितना आएगा आपका आंसर, 2 2 4 400 रुपीज। जी हाँ, तो आपका जो साधारण ब्याज बनेगा, जो 1000 रुपये का 2 वर्ष में 20% दर के हिसाब से कितना बचेगा, 400 रुपये बनेगा। क्या बनेगा, 400 रुपये बनेगा। अगर सपोज करो कि आपको यही क्वेश्चन में कुछ और फाइंड करने को दिया जाता, क्या है क्वेश्चन की, 2500 रुपये का 100 दिन में 10% दर से कितना साधारण ब्याज होगा। अब यहाँ पे हमसे गलती होती ज़्यादातर, अब वो गलती क्या होती मैं आपको बताता हूँ। मैंने जैसे कि आपको बोला साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो आप सीधा क्या करेंगे, पी 2500, रेट कितना दिया 10, टाइम कितना दिया 100 दिन दिया है, 100 दिन। जी हाँ, दिन दिया हो या महीने दिया हो, लेकिन आपको बता दूं, जब भी आप साधारण ब्याज को कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना है, उसको वर्ष में ही कन्वर्ट करना है, वर्ष मतलब साल में ही कन्वर्ट करना है। तो दिन दिया, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, तो आप उसको साल में कन्वर्ट करिएगा। तो आपको क्या करना है, 100 दिन दिए तो 100 दिन, तो
तो इसमें 100 अपॉन में 365 वर्ष हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 365। अगर सपोज करो ये महीने में दिया होता, आपसे कहा होता कि 6 महीने में या 3 महीने या 2 महीने, आपसे 2 महीने कहते, तो आप 2/12 किससे भाग दे देंगे, 12 से भाग दे देंगे। क्यों 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आपको कभी भी ध्यान रखें, ध्यान कि जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना है तो आपको चाहे दिन में दिया हो समय, चाहे महीने में माह में दिया हो, आपको करना हो उसको किसमें, वर्ष में कन्वर्ट करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अगर दिन है तो 365 से भाग दे दो, अगर महीने है तो 12 से भाग दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय हमारा हो जाएगा 100 अपॉन में 365 और इंटू में 100 चल ही रहा है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको कैंसिल करेंगे तो कैसे कैंसिल करेंगे, 5 से कर दें तो 5 5 25 0, ये 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35, 5 3 15 और फिर इसका ये कितना हो जाएगा 500 अपॉन में 73। तो अब इसको आप सॉल्व करें, 500 अपॉन 73 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.84 को जाएगा। तो इतने रुपए आपका साधारण ब्याज बन जाएगा, 6.84 आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखें अगर आपको दिन में या महीनों में दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमें कुछ और चीज़ें निकालनी हो, जैसे अगर ये क्वेश्चन हमें महीने दिन की जगह हमसे बोल देता वो कि वो कि 3 महीने में, कितने महीने में, 3 महीने में बोल रहे, 3 महीने में 2500 रुपये का 3 महीने में 10% की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। तो बहुत सिंपल हम क्या करेंगे, वही SI कॉस्ट टू टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P की वैल्यू कितनी 2500, R की वैल्यू 10 और इसको 3 महीने, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 12, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि आपको वर्ष में ही कन्वर्ट करना है, ईयर में ही कन्वर्ट करना है, तो 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 12। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 1 3 3 4 12 और आपका ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 250 अपॉन में 4। तो डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 6 24 बच्चा बन होगा 10, तो 4 2 4 तो आपका 62.5 रुपीज आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है मंथ और डे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 1000 रुपये का 50 रुपये साधारण ब्याज, मतलब आपको प्रिंसिपल दिया 1000 रुपये, साधारण ब्याज दिया आपको 50 रुपये और आपसे कहा कि 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में कितनी दर में होगा, मतलब कि 1000 रुपये जो है वो आपको उसका साधारण ब्याज 50 रुपये 2 साल में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दर निकालनी है। तो आपको मैंने पहले ही बोला था आपको क्या करना, जो भी निकालना होता है तो आप उस तरफ क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट में 100 का मल्टीप्लाई कर दें और जो दिया है उसको नीचे लिख दें, बस ये आपको करना है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली दर निकल जाएगा। तो इससे SI कितना है 50 × 100 और ये कितना दिया 1000 और टाइम कितना है 2, तो 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5/2, तो आंसर ये जाएगा 2.5%, मतलब कि 2.5% पर आपका जो 1000 रुपये है उसका जो साधारण ब्याज बनेगा 2 साल में वो कितना बचेगा 50 रुपये बनेगा, कितना बनेगा 50 रुपये। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ आपका ये साधारण ब्याज का जो एक वीडियो है जो मैंने आज फिनिश किया, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के आपके शानदार शानदार वीडियोज आपके पास आने वाले हैं।